बीजेपी है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते हुए साथ साथ चलते हुए वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पहले भारत के धुन उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रीय धुन। और इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों को जब वहां की पीएम खुद अगवानी के लिए पहुंची। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सम्मान का एक पल, क्योंकि रेड कार्पेट बिछाया है फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत को एक तरीके से जो सम्मान दिया अपने राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हुए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे एलिजाबेथ बोन, और ये अपने आप में दर्शाता है। और तमाम अन्य लोग भी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं अजीत डोवाल साहब, इसके अलावा विदेश सचिव और तमाम अन्य महत्वपूर्ण लोग जो कि भारतीय एक तरीके से शिष्टमंडल का हिस्सा भी है जो प्रधानमंत्री के साथ में इस वक्त मौजूद है। तो वहीं फ्रांस की ओर से तमाम अन्य अधिकारियों, तमाम अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, और अब यहां से प्रधानमंत्री के आज के इस आधिकारिक दौरे की शुरुआत होने जा रही है। संभवतः सुधाकर दास हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर सुधाकर आप हमारे साथ मौजूद है तो आगे के कार्यक्रम के लिए यहां से तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से फ्रांस पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। तस्वीरें देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिस तरह से हवाई जहाज लैंड हुआ एयरपोर्ट पर और उसके बाद जब पीएम मोदी उतरे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रांस पहुंचने की ये तस्वीर, गार्ड ऑफ ऑनर पीएम मोदी को दिया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं और उनके साथ एनएसए अजीत डोवाल, साथ ही साथ और भी कई अधिकारी, भारतीय अधिकारी मौजूद। तो फ्रांस से जिस तरीके से दोस्ती और ऐसे में पीएम का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के नेतृत्व पर ही मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले अमेरिका का दौरा करके लौटे पीएम मोदी और अब फ्रांस में पीएम मोदी यहां भारतीयों को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये तस्वीरें देखिए। और फ्रांस के अधिकारी आप देख सकते हैं किस तरीके से अगवानी करते हुए, इसके अलावा जिस तरह से पीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, उन्हें निमंत्रण दिया गया, उन्हें बुलाया गया है, भारतीयों को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे। तो बेस्टिल परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे और इसीलिए उन्हें आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के तौर पर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पीएम पहुंचे हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जब वो अपने प्लेन से उतरे किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया और फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात पीएम मोदी की होगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में खास, अपने आप में प्रभावित करने वाली। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी पीएम मोदी की और दोनों देशों के बीच कुछ अहम डील्स भी होंगी। इससे पहले अमेरिका का दौरा करके पीएम मोदी देश में पहुंचे और अब उनका एक और विदेश का दौरा, हालांकि मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, बेस्टिल परेड टीम में शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पेरिस पहुंचे पीएम मोदी।